तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो मोबाइल में कर रहा हूँ दोस्तों वो मेरे डब्बे टीवी में आपके सामने हो रहा है। फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो SJDTH यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो CRT टीवी जो डब्बा टीवी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो डब्बा टीवी है मेरे पास और इसको हम आपको करके दिखाने वाले हैं दोस्तों स्मार्ट। दोस्तों ये जो डब्बा टीवी होने वाला है स्मार्ट, तो ये कैसे होने वाला है दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आप जान पाओगे कि डब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैंने इसके एच टीवी के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाई होगी, उस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट आ रहे कि ये मतलब फेक वीडियो है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये सोचा चलो आपके लिए और एक वीडियो बना दिया है और उसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे डब्बा टीवी जो कि डब्बा टीवी स्मार्ट कैसे होने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो पुराना डब्बा टीवी है CRT टीवी, इसको हम आपको करके दिखाने दोस्तों स्मार्ट। दोस्तों स्मार्ट करके हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम आपको करके दिखाने दोस्तों स्क्रीन कास्ट। दोस्तों ये जो मोबाइल है इसकी स्क्रीन, इसके अंदर हम आपको इसके अंदर ये करके दिखाने वाले दोस्तों। इस मोबाइल की स्क्रीन आपको टीवी के अंदर कास्ट करके दिखाएंगे दोस्तों, वो भी आपके साथ लाइव। दोस्तों यहाँ पे अभी इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया लाइव टीवी CRT टीवी को हम स्क्रीन कास्ट कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देता हूं दोस्तों इसको मतलब कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्मार्ट मतलब जो ये स्क्रीन कास्ट दोस्तों स्क्रीन कास्ट करके दिखाता हूँ, स्क्रीन कास्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या कुछ किया जब जाके मेरा डब्बा टीवी हो गया स्मार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो मोबाइल में कर रहा हूँ दोस्तों वो मेरे डब्बे टीवी में आपके सामने हो रहा है। फिर आप कहते हो कि ये आप फेक वीडियो बनाए ऐसा वैसा, तो मैं बाद में कमेंट सुनने वाला नहीं है दोस्तों। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप करते देखोगे दोस्तों कुछ भी आपको इस समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने मैंने जो है तो दोस्तों CRT टीवी को स्मार्ट टीवी बना दिया है दोस्तों। जैसे कि मेरा आपके सामने मोबाइल है दोस्तों, जो कुछ मोबाइल में कर रहा हूँ दोस्तों वो मेरे डब्बा टीवी में हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ दोस्तों कुछ यहाँ पे मैं वीडियोस प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों मेरे यूट्यूब के ही। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब की वीडियो प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा डाटा मैं जो ऑन कर लेता हूँ और दोस्तों जो कुछ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों वो डायरेक्ट अपने CRT टीवी में होने वाला है। जैसे आपके सामने हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सर्च हो रहा है वहाँ पे भी सर्च हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं ओके करता हूँ दोस्तों, ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक वीडियो लगा दिया। वीडियो लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते एडवर्टाइज आ गए दोस्तों और यहाँ पे मैं एक दूसरा वीडियो लगा दोस्तों। ये जो कुछ मैं लगाऊंगा दोस्तों, जो जहाँ पे मैं जो कुछ भी लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एटोली ये हो जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों इस वीडियो को ऐसा लाइक करना है, लाइक कीजिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने लाइक किया है इसे लाइक करना है और कमेंट में अच्छे से कमेंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता दोस्तों नाइस, तो ऐसे आपको नाइस वेरी नाइस ऐसी कमेंट लिख देना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसा करने के बाद दोस्तों मुझे मतलब ये समझता है, मुझे समझ में आता है कि अपने जो मेरी जो वीडियो है ये आपको कितनी अच्छी लगती है और कितनी बुरी लगती है दोस्तों। कमेंट में और लाइक करने से मुझे पता चलता है आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आता है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो तो लगा दिया और जो कुछ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों मोबाइल में, जैसे व्हाट्सअप खोलूँगा दोस्तों, व्हाट्सअप खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी व्हाट्सअप खुल जाएगा दोस्तों जैसे आप देख सकते। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। अभी मैंने ये कैसे किया दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको आपके पास होना चाहिए एक स्मार्ट जो 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 कि होता है दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, उसके जरिए मैंने ये मतलब ये कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं आप और एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स कौन सा है दोस्तों, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार बैक लेता हूँ और ब्लैक लेने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा जो सेटअप बॉक्स है वो मैं कौन सा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे दोस्तों इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है और इस एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स की मदद से ये जो कुछ कर रहा हूँ दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों ये मेरे पास एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो दोस्तों ये वाला H96 Max Plus जो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है दोस्तों, इसके जरिए मैं चला रहा था दोस्तों अपने स्मार्ट जो कि स्मार्ट मोबाइल से स्मार्ट
डब्बा टीवी स्मार्ट किया, जो कि देसी देख सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, डब्बा टीवी मैंने यहाँ पे स्मार्ट करके अब आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ये सेट टॉप बॉक्स आप लेना चाहते हैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने परचेस लिंक दे दिया है दोस्तों, डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट इसको जाके आपका डब्बा टीवी कर देगा दोस्तों स्मार्ट। दोस्तों इसके बारे में और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दोस्तों मेरे, तो वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ऐसे डब्बा टीवी के मैं आपको और स्मार्ट कैसे करने हैं दोस्तों वो तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।